हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है निधि जैन फूड में। मैं हूँ यारवी और आज हम बनाएंगे चिप्स पिज्जा चाट को। इस रेसिपी में से आपको 2-in-1 टेस्ट मिलेगा, एक पिज्जा का और दूसरा चाट का। ये रेसिपी बनाने के लिए हम सबसे पहले प्लेट में बनाना चिप्स को अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लंबी और रेड मिर्ची वाली चिप्स ली है, आप चाहो तो सर्कल वाली, मरी वाली भी ले सकते हो। इसी तरह से हम चिप्स को अरेंज कर लेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कट किए हुए पत्ता गोभी को। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे मेरे फेवरेट रेड रेड टमाटर को। इससे हमें विटामिन सी मिलता है, हमें रोज टमाटर तो खाने ही चाहिए। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे चॉप किए हुए कुकुम्बर को। मेरी मम्मी ने मुझे सारे वेजिटेबल्स को कट करके दिए हैं। वेजिटेबल को मैं अच्छे से कट नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे कट करके दिया। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रीन धनिया पुदीने की चटनी को। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उतना क्वांटिटी में डाल सकते हो। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मीठी चटनी को। ये मेरी मम्मी ने खजूर इमली की चटनी बनाई है। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे मीठी चटनी को, जिससे टेस्ट टैंगी आएगा। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे मेरा फेवरेट चीज़ को। मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेट किए हुए चीज़ को। आपको जितना चीज़ ही पसंद हो आप उतना चीज़ डाल सकते हो। एक की जगह पे आप 2 क्यूब भी डाल सकते हो। अब हम इसके ऊपर डालेंगे बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न को। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चिली फ्लेक्स को। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उसके हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पे अब हम लेंगे ओरिगैनो को। अब हम इसके ऊपर रखेंगे ब्लैक ऑलिव्स को। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ती को। अभी हमें चीज़ को मेल्ट करने के लिए गैस पे रख देना है। तवे को पहले से ही हमने गरम करने को रख दिया है। उसके ऊपर हमने स्टैंड को डाला है और उसके ऊपर प्लेट को। अभी हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको खोल के देखेंगे कि चीज़ मेल्ट हुआ है कि नहीं। हाँ, अब ये चीज़ मेल्ट हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। यहाँ पे हमारा सुपर टेस्टी डिलीशियस चिप्स पिज्जा चाट बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये चिप्स पिज्जा चाट बनने में 5 मिनट्स लगती है और खाने में सिर्फ 1 मिनट। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं यारवी आपको फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी कुकिंग।